ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। आपको सुबह उठकर दो शब्द बोलना चाहिए जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है बिना पूजा करे, क्योंकि व्यक्ति सुबह उठता है तब उसके पास बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा होती है, और अगर उस ऊर्जा के साथ वो ये दो शब्द बोलना शुरू कर दे तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके जीवन में कितना बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ सकता है, क्योंकि आप कई उपाय कर सकते हैं, कई सारे तरीकों से अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन अगर ये उपाय आप कर लेंगे तो शायद किसी उपाय को करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपकी शादी नहीं हो रही, आपके काम नहीं बन रहे, आपके कामों में रुकावटें आ रही है, लोग धोखा दे रहे हैं, छल कपट हो रहे हैं, हमें सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, आखिर हमारे भविष्य का क्या होगा, करियर बहुत नेगेटिव वे में जा रहा है, इतने सारी जो मनोकामनाएं हैं, कुछ भी हो सकती है, तो अगर आप उनको पूरा करना चाहते हैं तो दो शब्द जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इन्हें आप अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो दोस्तों आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ये कई सारे जातकों ने किया है, आप भी करें, आपको भी फायदा होगा। बस एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे, जो भी नाम आपको अच्छा लगे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपकी अगर कोई मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि पूरा, वो भी कमेंट्स में आप लिखेंगे, हे ईश्वर वो मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात, सुबह उठते ही आपको सबसे पहले कांच में अपना मुंह नहीं देखना है। बहुत सारे लोग कांच में अपने मुंह देखने की एक आदत है, उसे बदल डालें, वो हमें नहीं देखना है दोस्तों। दूसरी बात, सुबह उठते से ही कृष्ण भगवान की मुरली बजाते हुए या राधा कृष्ण की जो भी तस्वीर हो वो हमें देखनी चाहिए, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सुबह उठते ही आप अपने गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो ये दो शब्द अपने याद रख ले, नमः शिवाय। ओम न लगाएं, अगर ओम का जाप करें तो केवल ओम का जाप करें और सिर्फ सुबह उठकर नमः शिवाय का जाप करें, 108 बार करें। जैसे ही हम बिस्तर पर हो, आंखें खोलने से पहले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जितनी बार आप कर सके, 108 बार से भी ज़्यादा करें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप जब सुबह से इस चीज़ को करेंगे तो आप खुद एक एनर्जी महसूस करेंगे, आपके सब काम बनेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।